हेलो गाइस, देखते हैं मोशन का स्टैंडर्ड 9 के सम्स एनसीईआरटी के. पहला क्वेश्चन टेक्स बुक के अंदर जो इंटेक्स क्वेश्चन है उसके बारे में. पहला है फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर. जो फार्मर है वो स्क्वायर बाउंड्री की तरफ मूव कर रहा है. उसकी एक साइड दी हुई है 10 मीटर और टाइम दिया हुआ है दैट इज ऑफ 40 सेकेंड्स. जो जो चीजें दी हुई है वो मैंने लिख दी है. वॉट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स. 2 मिनट और 20 सेकेंड्स के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो बताएंगे. पहले तो मैं उसका पैरामीटर निकाल देती हूँ. सो पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई साइड. सो हो गया 4 मल्टीप्लाई बाई 10. तो हो गया 40 मीटर हो गया. अभी मुझे डिस्टेंस जो कवर करना है वो मैं बोले पहले वो फाइंड कर देती हूँ. और मैं ये लिखूंगी कि अगर 40 सेकेंड्स में वो इतना डिस्टेंस पार कर रहा है तो मुझे दूसरा एक टाइम दिया हुआ है दैट इज ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकेंड्स. पहले मैं इसको कन्वर्ट कर देती हूँ सेकेंड्स में क्योंकि ये मेरा यूनिट सेकेंड्स में है. सो इतने टाइम में अगर वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है तो इतने टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा. सो पहले 2 मिनट को मैं सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देती हूँ प्लस 20. सो अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 120 प्लस 20 सेकेंड्स. सो ये हो जाएगी टोटल 140 सेकेंड्स. देखेंगे इन 40 सेकेंड्स डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 40 मीटर. सो इन 140 सेकेंड्स डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ? सो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा और नीचे चला जाएगा. 40 मल्टीप्लाई बाय 140 डिवाइड बाय 40 सेकेंड्स कट हो जाएगा. सो अगर देखने जाए तो 140 मीटर आएगा उसका डिस्प्लेसमेंट. अगर देखने जाएंगे तो फार्मर ने कितने राउंड कंप्लीट किए. तो अगर मुझे कंप्लीट करने हैं नंबर ऑफ अ राउंड कंप्लीटेड बाय द फार्मर, तो जितना डिस्प्लेसमेंट है डिवाइड बाय टाइम टेकन. सो दैट इज ऑफ अ 40. ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है और नीचे टाइम टेकन है. सो अगर मैं इसको काटूंगी तो हो जाएगा 3.5 राउंड. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में.